है आपका जी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ हार्दिक दवे। स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं जयपुर की बड़ी खबर के साथ। जयपुर में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ हो चुका है, तो ऐसे में ग्रेटर नगर निगम में उनका एक कार्यक्रम होगा। सांगानेर स्टेडियम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विकसित भारत संकल्प यात्रा के एक रथ को रवाना करेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ करेंगे उस क्षेत्र के लिए। हालांकि विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हो चुकी है और राष्ट्रव्यापी स्तर पर पांचों राज्यों में इन रथों को चलाने की शुरुआत, इसका शुभारंभ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली किया है और राज्य स्तरीय कार्यक्रम भी आयोजित हुआ था जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे थे। लेकिन सांगानेर स्टेडियम में जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है ये उस क्षेत्र के लिए आयोजित हो रहा है, ये एक क्षेत्रीय स्तर का कार्यक्रम है और यहां पर जो शुभारंभ होगा विकसित भारत संकल्प यात्रा का वो आज होगा और वो सांगानेर स्टेडियम में खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। मेरे सहयोगी दिनेश मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधे दिनेश का रुख कर लेते हैं। दिनेश, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं, राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर के महारानी कॉलेज में पहले ही आयोजित हो चुका है, ये कार्यक्रम किस तरह से अलग है दर्शकों की समझ के लिए बताइए। बिल्कुल, देखिए हार्दिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत यात्रा का शुभारंभ 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी में किया था। ये देश स्तरीय नेशनल स्तरीय प्रोग्राम है और इसका शुभारंभ 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी में किया था और राजस्थान की बात की जाए तो 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने वर्चुअल इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। 15 नवंबर के बाद पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम तेज गति से शुरू किया जा रहा है और उसी कड़ी में आज सांगानेर विधानसभा क्षेत्र, जो कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विधानसभा क्षेत्र है, नगर निगम ग्रेटर क्षेत्र और नगर निगम ग्रेटर से उसी अपने क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। भव्य समारोह एक आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम योजना जो कि आमजन से जुड़ी हुई है, केंद्र सरकार की वो तमाम योजनाएं जो कि आमजन से जुड़ी हुई है, उन योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए ये भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सांगानेर के स्टेडियम में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ऐसे में आमजन को लाभान्वित करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में, या कहें कि हजारों की तादाद में लाभार्थी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जो योजना है केंद्र सरकार की, उन योजनाओं के शिविर यहाँ पर लगाए गए हैं। खुद महापौर सौम्या गुर्जर यहाँ पर पहुँच चुकी है, नगर निगम कमिश्नर बाबूलाल गोयल पूरी कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एक भव्य कार्यक्रम ये आयोजित किया जा रहा है। ऐसे में हजारों की तादाद में लाभार्थी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और दिनेश कार्यक्रम का समय क्या रखा गया है, क्योंकि अभी तो मुख्यमंत्री दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ दिल्ली में ही मौजूद हैं और अगर जगदीप धनखड़ के साथ उनकी मुलाकात होती है तो हो सकता है थोड़ा और देरी से आए और फिर शाम 5 बजे तो उनकी मीटिंग है अधिकारियों के साथ, प्रमुख सचिवों के साथ, मुख्य सचिवों के साथ, तो इस कार्यक्रम के लिए समय कब निकलेगा? बिल्कुल, देखिए हार्दिक, समय में बार बार परिवर्तन किया जा रहा है। पहले ये 11 बजे का समय दिया गया था, 11 बजे कार्यक्रम इस रथ को शुरुआत करनी थी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हरी झंडी दिखाकर इस रथ को रवाना करने थे, लेकिन उसके बाद जब दिल्ली से जब वो नहीं लौटे, उनके कार्यक्रम में वापस आने की कोई सूचना नहीं मिली तो कार्यक्रम को एक्सटेंड किया गया और 1 घंटे के लिए इस समय को बढ़ाया गया और ऐसे में कार्यक्रम के लिए 12 बजे का समय दिया गया। लेकिन वर्तमान हालातों को देखते हुए भी ऐसा लग नहीं रहा कि कार्यक्रम 1 से 2 घंटे में भी शुरू हो पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है दिल्ली में है, उपराष्ट्रपति से जो अभी भी जोधपुर हाउस है और उपराष्ट्रपति से मिलने का भी उनका कार्यक्रम बना हुआ है। उसके बाद इस तरह की सूचना भी है कि वो कुछ समय के लिए, अल्प समय के लिए अलवर जाकर आएंगे, तो ऐसे में और समय लग सकता है। तो तकरीबन जो वर्तमान परिस्थितियाँ, जो वर्तमान हालात हैं उनको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि कार्यक्रम और लंबा शुरू होने में लंबा खींच सकता है। तकरीबन 3 बजने का अंदेशा लगाया जा सकता है कि कार्यक्रम शुरू होने में हार्दिक 3 बज सकते हैं, लेकिन पब्लिक का जो उत्साह है अभी, मैं मेरे एक बार सहयोगी को कहूंगा कि जो भीड़ है, जो लोगों का उत्साह है वो एक बार दिखाए कि तमाम, मतलब हजारों की तादाद में, कह सकते हैं कि हजारों की तादाद में लोग मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम में, इस समारोह में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं और सभी तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई है। सुरक्षा को लेकर पुलिस का माकूल जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया है और वो रथ भी पूरी तरह तैयार है जिसको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हरी झंडी
झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये वो रथ है जिसको हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और ये रथ तमाम शहरी निकायों में और ग्रामीण निकायों में, ग्राम पंचायतों में जाएगा और केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेगा, केंद्र सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुँचाएगा और उसके साथ साथ उन जगहों पर केंद्र सरकार की योजनाओं को के शिविर लगेंगे जो कि आमजन को सीधा लाभ देंगे, तत्काल उनकी उन योजनाओं का लाभ देंगे, उन समस्याओं का समाधान करेंगे, चाहे आधार अपडेटेशन हो, पीएम स्वनिधि योजना हो जी, तमाम केंद्र सरकार की वो योजनाएं जो आमजन को मिलनी चाहिए, जो केंद्र सरकार ने अंतिम छोर के लिए शुरू की थी, उन सबको अंतिम छोर तक पहुँचाने के लिए ये पहल की जा रही है और इसी के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। ऐसे में आज जयपुर में दो जगहों पर ये कार्यक्रम अलग अलग शुरू किए जाने हैं। नगर निगम हेरिटेज के तत्वाधान में कार्यक्रम हो रहा है जो कि शास्त्री नगर में आयोजित किया जा रहा है। शास्त्री नगर में विधायक मोहनलाल शर्मा, सिविल लाइन विधायक मोहनलाल शर्मा इस कार्यक्रम को शुभारंभ कर रहे हैं। तो वहीं ग्रेटर का ये कार्यक्रम है, थोड़ा लेट होता नजर आ रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री अभी भी दिल्ली है, लेकिन पब्लिक का उत्साह देखा जा सकता है और तमाम तैयारियां नगर निगम ग्रेटर की तरफ से पूर्ण कर ली गई है। नगर निगम कमिश्नर, नगर निगम महापौर दोनों तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और सभी तैयारियां हार्दिक पूर्ण कर ली गई है। ठीक है, तो जैसे ही कार्यक्रम शुरू हो और मुख्यमंत्री के पहुंचने का वहां पर अगर आसपास हलचल आपको दिखाई दे तो जरूर बताइएगा, फिर से उन तस्वीरों के लिए आपके पास लौट कर आएंगे। फिलहाल वहां पर जितने भी लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री के आने का। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश आपका इस जानकारी।